मैम ब्रेकफास्ट रेडी है, उसको प्लीज उठ के खा लेना टाइम से। सॉरी मैं खिला के नहीं जा पाई यार, थोड़ी सी लेट हो रही थी ऑफिस के लिए। कोई बात नहीं बेटा, फिर क्या हो गया? और हाँ, गीजर का पानी मैंने ऑन कर दिया है, तो उठ के नहा लेना। साहिल भी आने वाले होंगे घर पे। हाँ जी ठीक है मैम, और कुछ नहीं, बस दैट्स ऑल। श्वेता आखिर क्यों, मतलब क्यों इतना प्यार करते हो? कोई तो रीजन होगा। मान यार, रोज रोज मना किया है ना सेम चीज पूछने को। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू। चलो ओके, उठो फटाफट, बाय। कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें मेरे तू होता नहीं है। मैं सो भी जाऊं रातों में, लेकिन तू है कि मुझ में सोता नहीं है। तू है कि मुझ में सोता नहीं। हाँ तू मंजीत, ओ मंजीत, मंजीत तू अंदर कैसे आ गया? वो गेट खुला हुआ था क्या? अबे नाटक मत कर यार, तू अभी अभी सो के उठा ना। पागल है क्या? मैं फ्रेश होकर बैठा हूँ, ये देख मैं फ्रेश भी नहीं किया अभी तक। अब बकचोदी मत कर यार, 9 बजे का बोला हुआ था, 11 बजे हैं यार। 10 मिनट है मुझे, मैं यूं तैयार होकर आ गया। 10 मिनट में हो जाएगा रेडी तू? 5 मिनट में हो जाऊंगा, सर्दी है, खाली मुंह धोऊंगा और आ जाऊंगा। चल एक मिनट, तू दाढ़ी बढ़ा रहा है क्या? हाँ यार बढ़ा तो रहा हूँ, बट थोड़ी कम आ रही है यार। हाँ लग रहा है कि तेरे थोड़े बहुत पैचेस हैं बियर्ड पे, पर तू टेंशन मत ले, तेरे भाई ना एकदम मस्त बियर्ड ऑयल लेके आया है। ये देख, ये है मुस्टैक का कोम्बो, अगर इसका बियर्ड ऑयल तो यूज करता ना तो तेरी दाढ़ी एकदम मस्त हो जाएगी। लड़के कहेंगे मम्मी वो देखो बियर्ड मैन आ रहा है। अरे मैं जीत यार, तू ही ना। अब मैं सच में कह रहा हूँ, इस बियर्ड ऑयल को यूज करना बहुत ज्यादा सिंपल है। तू रात को सोने से पहले इसको अपनी दाढ़ी पर लगा, और रात को क्या होता है ना, अपनी बॉडी हीलिंग मोड पे होती है, तो तेरे सारे पोर्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे, और 7 दिन के अंदर फर्क देख लियो, तेरी सारी दाढ़ी चकाचक हो जाएगी। और ये है मुस्टैक का फेस वॉश, इससे अगर तू अपना फेस वॉश करेगा ना तो तेरा सारा ऑयल निकल के बाहर आ जाएगा। और जहां तक मैं नोटिस कर पा रहा हूँ तेरे फेस पे इतना ऑयल है ना, मैं 2-4 पूड़ियां तल सकता हूँ इस पे। अरे नाटक कम कर, चल ला मुझे दे, मैं यूज करके देखता हूँ इसको। मैं क्यों दूं भाई, इसको ऑर्डर भी कर सकता है, सिंपल है, फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जा और अपना ऑर्डर प्लेस कर ले। और अगर तुमको तो इतनी ज्यादा सर्चिंग नहीं करनी तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से अपना ऑर्डर प्लेस कर ले। अब जाएगा, मैं धो के आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, 5 मिनट में बाहर आ जाइयो। हाँ बोल, क्या बात करनी थी? देख बात तो बहुत सिंपल है, और ये बात ना हर रिलेशन में होती होगी फॉर श्योर। क्या यार? देख मैं जब भी श्वेता से पूछता हूँ ना कि वो मुझे प्यार क्यों करती है, उसके पास कभी कोई आंसर ही नहीं होता, और गुस्सा अलग से हो जाती है। ओ देख मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे प्यार नहीं करती, प्यार करती है, पर यार प्यार करने का कोई तो रीज़न होगा। हाँ बात तो तेरी भी सही है। अब हमें देख BMW पसंद है, उसका भी कोई रीज़न है, क्योंकि उसके फीचर्स अच्छे हैं, महंगी है यार, और दिखने में बड़ी सेक्सी है। मेरे अकॉर्डिंग बिना रीज़न के प्यार नहीं हो सकता यार। वही तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख इस चीज़ के काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। पहला ये कि तेरी आज से पहले कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं रही, तो वो तेरे साथ थोड़ा सा सेफ फील करती है। और सेकंड ये भी हो सकता है कि तू वेल सेटल है यार, तेरे पास खुद की गाड़ी है, खुद का घर है, तो वो शादी के बाद फ्यूचर थोड़ा सा सिक्योर देख रही है ना। और थर्ड ये भी हो सकता है
कि तू देखने में ठीक ठाक है और तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। पर इससे क्या फायदा? फायदा ये है कि यार तुझे पता लग जाएगा वो तुझे प्यार क्यों करती है। और अगर कोई दिक्कत हुई तो? अरे यार तेरा भाई बैठा है ना, साहिल ठाकुर हूँ मैं, मिस्टर पंजाब रहा हूँ यार किसी टाइम पे। क्या हुआ, अचानक से ऑफिस क्यों आए? काम था कुछ? श्वेता मैंने ना आपसे एक चीज छुपाई थी एंड आई होप कि उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन सी बात, मुझे तो आपके बारे में सब कुछ पता है। नहीं पता है पर ये चीज नहीं पता। तुम्हें याद है एक मेरी कॉलेज में फ्रेंड हुआ करती थी स्नेहा? स्नेहा वो जो अमृत की गर्लफ्रेंड होती थी? किसको तो उसके बारे में पता है? नहीं नहीं नहीं, वो स्नेहा की आगे एक फ्रेंड थी सिमरन। सिमरन को तो आप नहीं जानते होगे, सिमरन थी एक लड़की। सिमरन नहीं, इस नाम की लड़की के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फिर ठीक है। अच्छा तो वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी? और ये मुझे तुम कब बताने वाले थे? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मान। उम्मीद? पर चलो कोई नहीं, सबका एक पास्ट होता है यार। तुम्हारा भी था ना, थी है तो नहीं ना अभी। टेक अ चिल पिल। चिल पिल? मैं एक मिनट में आया। चिल पिल? ओए साहिल, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा यार इस बात से कि सिमरन मेरी एक्स थी। अच्छा तो इसका मतलब वो ना तेरी लॉयल्टी से प्यार करती है। तू ना उसको जाके बोल कि तू ना अभी भी सिमरन से बात करता है। ओ भाई तू मुझे फंसवा मत दियो यार। अबे यार टेंशन क्यों ले रहा है, मैं बैठा हूँ तेरे साथ। याद कर साहिल ठाकुर मिस्टर पंजाब। किसका कॉल था? वो सिमरन का फोन था। तुम अभी भी उससे बात करते हो? हाँ तो अब हम फ्रेंड्स हैं। पर वो तुम्हारी एक्स थी? थी, अब हम फ्रेंड्स हैं। या अब पता चलेगा क्यों प्यार करती है। चलो कोई बात नहीं, पर ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारे रिलेशन में कोई फर्क पड़े। तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं। क्यों? Because I love you and I trust you. चलो भाई मैं लेट हो रही हूँ अब ऑफिस के लिए। बीच में से बुलवा लिया मुझे, उससे डांट पड़वाओगे। कहानी है यार। उतरी तोने मरेगी मुझे। वैसे ना अपनी वो फ्रेंड सिमरन को मेरा हाय बोलना, ओके? याद कर साहिल ठाकुर मिस्टर पंजाब। साहिल साहिल मिस्टर पंजाब साहिल ठाकुर। सॉरी 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 भाई यार, सॉरी सॉरी भाई, सॉरी। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ा इस बात से, उल्टा तूने ये सिम्मा चैप्टर ऑन करवा दिया। अब कल को मेरी लड़ाई होगी ना तो वो सिम्मा का नाम ले लेके मुझे तारे मारेगी। मैंने कहा भैया कुछ है नहीं और बिल काम का पड़वा दिया। अरे अरे यार तू टेंशन क्यों ले रहा है यार, हमारे पास प्लान बी है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटस वाला यार। क्या पता वो फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से प्यार करती हो। हाँ ये हो सकता है, पर इस बार तू जाएगा। मैं क्यों जाऊंगा यार? अगर मैं जाऊंगा तो वो शक करेगी ना। अरे एक्टिंग अच्छे से कर लियो प्लीज। पर तो उसे बोल देंगे। We kill for the money. We get sunny. भाभी साहब खत्म हो गया, भाभी साहब खत्म हो गया। साले अबे गले के लग रहा से खटमल तेरी बैठ के। हट जेट पीछे हट तेरी बाकी कागज रे भाभी। चल क्या हुआ, सब ठीक है भाभी? नहीं पर हुआ क्या भाभी? माँ ने सब गवा दिया, पैसा गाड़ी घर। कैसे? उसने एक लड़के के साथ बिजनेस शुरू किया था अपना,
और उसने उसको धोखा दे दिया भाभी, कुछ नहीं रहा मान के बाप। कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा है साला, मरवाएगा। मान है कहाँ पे? मार गाली के पीछे। ये गाड़ी तो मान की। हाँ तो भाभी बिक गई ना गाड़ी, क्यों जले पे नमक छिड़कते हो भाभी? पर मान है कहाँ साहिल? मान आपके घर की तरफ गया, पर भाभी क्या फायदा, अब तो उसके पास पैसा भी नहीं है, समझ रहे हो ना? पैसा भी नहीं है, समझ रहे हो? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एक्टिंग का तो ठीक है, पर ये जो गले लगने वाला सीन था इसकी तो बात हुई नहीं थी। तो तूने तो कहा था कि पकड़े मत जाइयो। मैंने कहा था पकड़े मत जाइयो, ये नहीं कहा था तू पकड़ के रखियो साले। साले मौका ढूंढ रहा तू बहन, रुक जा तू भी साले, छोड़ू आने तुझे साले खटमल, चुपक के बैठा था ना उसके साथ तू, तुझे छोड़ो आने। जल्दी से लगा लूँ यहाँ से, पहले आवाज है, एक आखिरी है, इसको भी इसमें के देख लेता हूँ। मान तो एक रह रही है और टीम। मान मुझे बताया साहिल ने कि आपके साथ बिजनेस में किसी ने फ्रॉड कर दिया। सुनो आप ना, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना आपके साथ, हम दोनों मिलके सब कुछ ठीक कर देंगे। पर अब मैं आपको गिफ्ट नहीं दे पाऊंगा ना सरप्राइजेस दे पाऊंगा। स्टूपिड हो क्या आप? आपसे ज्यादा अच्छा गिफ्ट मुझे और क्या चाहिए? बट अब आपको ऑटो में जाना पड़ेगा, बसेस में जाना पड़ेगा। अरे तो अच्छा है ना। अच्छा देखो, हम दोनों कितने लकी हैं कि हमें अपना पास दोबारा से जीने का मौका मिलेगा, है ना? पर उन्होंने मेरा मुंह खराब कर दिया यार, ब्लेड मार दिया मुझे, अब मैं पहले जैसा नहीं दिखूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और आज नहीं तो कल हम दोनों ने बूढ़े हो ही जाना है, तब कौन सा मेरा प्यार कम हो जाएगा? और ये तो ना छोटी मोटी चोटें हैं, ये तो मैं कोकोनट ऑयल लगा के ठीक कर दूंगी। मैं कोई चोट नहीं लगी यार मेरे, ये सब ड्रामे कर रहा हूँ मैं, और वो कोई लॉस नहीं हुआ मेरा, किसी ने मेरा बेवकूफ नहीं बनाया। अब शिट, और वो कोई सिमर नाम की लड़की भी नहीं है। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ये जानना है यार कि तुम मुझे प्यार क्यों करते हो, कोई तो रीजन होगा मुझे प्यार करने का। नहीं कम ऑन यार, नहीं कैसे कैसे हो सकता है? मन प्यार करने का कोई रीजन थोड़ी होता है यार, बल्कि सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता यार मैं आपको इतना प्यार क्यों करती हूँ। बस ना बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ, क्यों किस लिए इन सब का आंसर नहीं है मेरे पास। पता है बहुत ना खुशी मिलती है आपकी फोटोज़ देख के, आपकी वीडियोस देख के, हम दोनों की फोटोज़ देख के साथ में, और जब आप सामने आ जाते हो ना तो फिर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। आपके पास कल क्या था, आज क्या है, कल क्या होगा, इन सब चीज़ के बारे में तो यार मैंने कभी सोचा ही नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप बार बार क्यों मुझसे रीज़न पूछते हो कि प्यार करने का रीज़न बताओ यार, नहीं है रीज़न। हाँ एक रीज़न ज़रूर हो सकता है कि मुझे ना आपकी फेस पे ना स्माइल देखना में ना बहुत सुकून मिलता है, तो ना बस ये होता है कि कुछ भी करूँ बस किसी भी तरह से ना आपके फेस पे स्माइल ले आऊँ। एंड यू नो आई एम डैम श्योर जितने भी कपल्स होंगे ना जो अपने पार्टनर को सच्चा प्यार करते होंगे वो भी ना इस बात का आंसर नहीं दे पाएंगे, उनके पास भी इस चीज़ का रीज़न नहीं होगा कोई, और अगर रीज़न हुआ ना
तो यार वो प्यार नहीं होगा। I'm sorry, श्वेता। अच्छा, इधर। And you know, मुझे ना ये भी पता है कि जिस दिन मैंने आपको प्यार करना कम कर दिया ना, उस दिन आप मुझे छोड़ के चले जाओगे। आगल है क्या? कहीं नहीं जा रहा मैं तुझे छोड़ के। I'm sorry, मैं promise कर रहा हूँ मैं आज के बाद कभी तुझसे ये बात नहीं पूछूंगा। I promise मैं कभी नहीं पूछूंगा। और अगर मैं तुझे छोड़ के चला गया तो ये स्माइल चली जाएगी, और अगर ये स्माइल चली गई तो तेरा सुकून चला जाएगा ना इडियट। I'm sorry, I promise मैं कभी नहीं पूछूंगा। कभी नहीं पूछूंगा, ठीक है? हे गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है, अपना बेस्ट पार्ट कमेंट में जरूर बताना है, और वीडियो को शेयर जरूर करना है यार अपने सभी पार्टनर्स के साथ, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हो कि आपके मेरे जैसे बियर्ड हो तो आप मुस्टैक का बियर्ड ऑयल मंगा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो वहाँ से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे आप रेगुलर अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो कर सकते हो, एंड वीडियो शेयर कर देना। लव यू।